आज हॉल में लड़कों से लड़कियों की तादाद कम नहीं है, उत्साह कम नहीं है। तो ये लड़कियां जो है इनको ताकत दी नीतीश कुमार ने, दी कि नहीं दी? 50,000 रुपया बेटी को मिलेगा जब वो ग्रेजुएशन करेगी, शायद 25,000 ऐसा कुछ देते हैं, 50,000 देते हैं ना ग्रेजुएशन के वक्त, और उसके पहले भी कुछ देते हैं, 20 देते हैं 25 देते हैं हमको नहीं पता। अब तुम लोग मत शिकायत करो, ठीक है, तुम्हारे को तो पापा वैसे भी पढ़ाते हैं, इन लोग को बोलते हैं होम साइंस पढ़ो, तुमको बोलते हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ो, ये बदलना पड़ेगा। लड़कों को ये आवाज उठानी होगी कि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा और मेरी बहन भी कंप्यूटर साइंस पढ़ेगी। काहे वो होम साइंस पढ़ेगी, उसको भगवान बुद्धि कम दिया है, दिमाग तौल के कम दिया है, तुमको ज्यादा दिया है? नहीं, लड़कियों को पढ़ाओ, बहुत जरूरी है, और जब लड़कियां पढ़ेगी तो राज्य तरक्की करेगा, तुम्हारा परिवार तरक्की करेगा, और तुमको अपनी बहन को ज्यादा दहेज देने में सुख होगा कि ज्यादा पढ़ाने में सुख होगा? अगर ज्यादा पढ़ाओगे तो जीजा अच्छे मिलेंगे, पढ़ा लिखा मिलेगा, कम पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा पति मिलेगा और पैसा भी मांगेगा ज्यादा। लड़की अगर 50,000 रुपए वेतन कमा रही है तो लड़का चाहिए जो कि 70,000 कमा रहा हो, 80,000 कमा रहा हो, 1,00,000 कमा रहा हो। ये सुनो, 50,000 रुपए सैलरी कमाने वाली लड़की 30,000 रुपए कमाने वाले लड़के से शादी? देखो पहले वो बोली ये है इम्पावरमेंट, समझ रहे हो? इस इम्पावरमेंट की जरूरत है तुमको, तुम लोग समझो इस बात को। ये सोचो कि तुमको अपने माता पिता का दुख दर्द दूर करना है, तुम जब अच्छा करोगी, रोजगार कमाओगी, तुमको तुम्हारे घर में ऐसे लोग आएंगे कि मेरा बेटा जो है ना वो 70,000 कमाता है, आपकी बेटी भी कमाती है, दोनों बेंगलोर में जॉब करते हैं, रिश्ता तय कर दीजिए, दोनों खुश रहेगा, क्योंकि बेंगलोर में अकेले जॉब करने से काम नहीं चलता, समझ रहे मेरी बात को? तो ये चीज तुम लोग को तैयार करना पड़ेगा, और लड़कों को इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी। ये नहीं कि सारा पैसा अपने खर्चा करा लो और बहन को बोलो होम साइंस पढ़ाइए। होम साइंस अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन कंप्यूटर साइंस ज्यादा अच्छा है।